हाय गाइस, वापस आ गए एक बार नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन साउंड टेस्ट वन प्लस के बुलेट्स जी टू का। तो इसे हम अलग अलग सिनारियोज में ट्राई करके देखेंगे कि इसके माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसी है और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो ये है जो साउंड आपको मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे बिना हेलमेट के। इस सिनेरियो में बहुत हवा है, तो होपफुली मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट खुला रख के। इस सिनेरियो में विंड साउंड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि माइक हेलमेट के अंदर है, पर बैकग्राउंड साउंड थोड़ा बहुत होगा। होपफुली मेरी आवाज क्लियर है और बैकग्राउंड साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होता। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के पर वाइजर बंद करके। इस सिनेरियो में हवा का इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आपका माइक यहाँ है अंदर, तो यहाँ पे हवा तो पहुंच नहीं पाता। तो मेन प्रॉब्लम होता है बैकग्राउंड साउंड जो बाहर है और आपका आवाज जो यहाँ गूंज रहा है, जो एको क्रिएट हो रहा है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। होपफुली एको ओवर पावरिंग नहीं है और आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई देती है। अगर तभी हम सीजन्स मॉल के बाहर खड़े हैं वाटर फाउंटेन के पास, तो यहाँ पे सत्तर वाटर फाउंटेन से बहुत पानी का आवाज आता है यहाँ पे। तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर है और पानी की आवाज ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो अभी हम ट्रैफिक साउंड टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है, मैं तीन सौ और अन्नादा मॉल के बाहर खड़ा हूँ शाम के समय। तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। ओके, तो अभी हम मॉल में हैं। अभी हम मॉल साउंड टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आवाज है, मशीनों की आवाज है, टीवी वगैरह की आवाज है, गाने वगैरह बज रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, लोगों की आवाज आ रही है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। ओके, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो बेसिकली मैं तो किसी भी सिनेरियो में यूज करूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। मेरी आवाज क्लियर है पर थोड़ा सा रोबोटिक है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल साउंड जैसा लगता है, एकदम नेचुरल साउंड नहीं लगता क्योंकि ये बहुत नॉइस कैंसिलेशन करने की जब कोशिश करता है तब आपकी आवाज थोड़ी सी अननेचुरल टाइप हो जाती है। तो अभी भी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं आप मुझे समझ पा रहे हैं, पर मेरी आवाज एक्चुअली ऐसी नहीं है। मेरी आवाज में थोड़ा सा वो रोबोटिक फील सा आ रहा है। वो इसलिए आता है क्योंकि अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, बहुत सारा आवाज है जो ये कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, उन फ्रीक्वेंसीज को जब ये कैंसिल आउट करता है तो आपकी आवाज थोड़ी रोबोटिक हो जाती है। तो ये चीज मैंने देखा है 5,000-6,000 रुपए के ईयरफोन्स में ये होता है। तो अगर आप ये वाला फील नहीं चाहते, वो रोबोटिक फील नहीं चाहते, तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। 10-15-20 हजार रुपए के ईयरफोन आते हैं उनमें बेटर है, पर इस रेंज में के लिए ईयरफोन एक्चुअली काफी अच्छा है। आपकी अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, फोन के दूसरी तरफ जो भी होगा उसको आप जो बोल रहे हैं वो सब सुनाई देगा, पर उसको बैकग्राउंड साउंड भी थोड़ा बहुत सुनाई देगा, ये याद रखना। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो, मेरे पास दो और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।